क्राइस्ट के कहने से हुए, पैगंबर के कहने से हुए, बुद्ध और महावीर के कहने से कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने तो कुदरत का कानून ही बताया है, बताने के तरीके अलग हो सकते हैं। बताया क्या है? कुदरत के कानून। तो वही कुदरत के कानून आज हम समझ सकते हैं प्रकृति के विज्ञान के द्वारा। प्रकृति को कैसे समझेंगे? ये बाकी सब जीव जो है, जंतु जो है, प्राणी जो है, वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रखते हैं, क्यों इतने निर्भय हैं, क्यों इतने निर्दोष हैं, तो समझना वहीं से है। अपनी बुद्धि को कहां फोकस करना है? कुदरत की ओर। और उसको सजाग अवस्था से देखेंगे तो प्रगाढ़ सत्य अपने सामने आएगा। क्लियर? हमारा शरीर जो है, मां के पेट में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था कि नहीं, बाहर आने के बाद भी उसका विकास हुआ कि नहीं, अगर कुछ तकलीफें आई तो उसने शरीर ने अपने आप को डिफेंड किया कि नहीं, कोई अटैक हुआ, कोई हमला हुआ तो हमने बचाव किया कि नहीं, कुछ बिगड़ गया शरीर में, कुछ टूट फूट हुई तो शरीर ने अपने आप को रिपेयर किया कि नहीं, हड्डी टूट गई, चमड़ी जल गई, ठीक किसने किया? डॉक्टर ने तो प्लास्टर लगाया। अंदर का जॉइंट किसने मारा? चमड़ी जल गई, नई चमड़ी किसने लाके दी? खून बहेगा, नया खून कुदरत ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, बराबर है? आपका जो ब्लड ग्रुप है वही बनाया कि और कुछ बनाया? बराबर है? खाना वही आपने खाया, वही इन्होंने खाया। आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इनका ए नेगेटिव है, तो उसमें से बी पॉजिटिव ही बनाया ना, और इनका ए नेगेटिव बनाया ना, या ए बी पॉजिटिव है, जो भी है बनाया कि नहीं, उनकी चमड़ी का कलर कैसा होगा? उनके जैसा होगा। आपकी चमड़ी का कलर सब किसने किया? बराबर है? तो इतनी अद्भुत व्यवस्था कुदरत ने दी है कि नहीं? आप पैदा हुए तभी कितने किलो के वजन के होंगे? 3-3.5 के। आज 60-70-80 किलो वजन है। आप पहले इतने थे, कितने, 2-2.5 फुट के होंगे, जो भी होंगे, आज 5-6 फुट के हैं कि नहीं? सब अपने आप से हुआ कि नहीं? बराबर है? किसने किया? आपके शरीर का विकास, आपके मन का विकास किसने किया? तो इतना अद्भुत कुदरत है, उसको किसी की जरूरत पड़ी? अपने आप से किया कि नहीं? आप शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई राजस्थान का रहने वाला है, कोई गुजरात का रहने वाला है, कोई दिल्ली का रहने वाला है, कोई चेन्नई का रहने वाला है, कोई अमेरिका का रहने वाला है, सबकी व्यवस्था खान पान अलग है, लेकिन उसमें से जो मिला उसमें से ये सब बना लिया कि नहीं? तो इतना अद्भुत शरीर है, वो अपने आप को स्वस्थ रखने के काबिल है कि नहीं? तो क्यों नहीं रहता है? हमारे अंदर एक अद्भुत डॉक्टर बैठा है। क्या बैठा है? उसको सब कुछ पता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमने उसको बेहोश करके सुला दिया है। तो होश में कैसे जगाएंगे उसको? प्रकृति के नियम समझो और उसके हिसाब से जीना करो, जीने लगो तो वो डॉक्टर अंदर से जाग जाएगा और अपना काम करेगा। अभी वो जो डॉक्टर को ही बेहोश करके आपने रख दिया। समझ में आया? अगर ऐसे ही गलत करते रहोगे तो डॉक्टर खुद छोड़ देगा, बोला अभी कुछ काम नहीं है। और फिर जब वो डॉक्टर अपने हाथ ऊपर कर देता है तो फिर आपकी सांसें गिनती चालू हो जाती है, काउंट डाउन चालू हो जाता है, भैया तुम अभी इतने दिन के मेहमान हो, डॉक्टर बोलता है ना। क्योंकि अंदर का डॉक्टर जब गायब हो जाता है तो फिर आपका आयुष्य आगे कुछ भी नहीं रहता है। क्लियर? अभी ये डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर त्रिपाठी है, ये डायबिटीज रिवर्सल का करते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं। तो इन्होंने, एक मिनट,
एनीवे, तो ये जो है वो न्यू डाइट सिस्टम को भी एक्नॉलेज करते हैं, 50,000 से 1,00,000 रुपया फी लेते हैं खाली डायबिटीज रिवर्सल के, जो यहाँ पे हमको, तो वहाँ पे भी वो भी बोलते हैं NDS का डाइट। पहले उन्होंने सुना बोला ये सब पागलपन है, बाद में जब भी देखा, एक्सपीरियंस देखा, बोलता नहीं यार कुछ साइंस है। और ये कौन है? क्लियर? अभी इनके बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं। अभी यहां पे देखिए, ये आवाज क्यों आ रही है? ये जो है दो अंदर की व्यवस्थाएं बताई है। एक में देखिए कितने डिनर अंदर पड़े हैं, 1, 2, 3 मुझे दिखते हैं। ब्रेकफास्ट कितने पड़े हैं? अरे गिनती करके बोलो ना। 2 ब्रेकफास्ट पड़े हैं। हाँ, लंच कितने पड़े हैं? लंच भी 2 पड़े हैं। बराबर है? वो अंदर अभी नीचे से निकले नहीं और हम ऊपर से डाल डाल करेंगे तो क्या होगा? फिर पेट बाहर आएगा कि नहीं? कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं? फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होंगे कि नहीं? 50 बीमारियां होगी कि नहीं? समझ गए? नीचे से अगर सफाई नहीं हो रही है, पेट अगर साफ नहीं है, तो खाना बंद करना सबसे आसान तरीका है। खाना बंद, नाराज होते तो भी खाना बंद करते हो कि नहीं? रूठ जाते हो तो क्या करते हो? हाँ, वो गुस्से में करते हैं ना। अभी जो है अपने स्वास्थ्य के लिए करना, इनको क्या बोलते हैं? अनशन बोलते हैं। अनशन जो है अपनी जीत के लिए। लांघन किसके लिए करते हैं? एक फिक्स टाइम के लिए खाना नहीं खाते उसको लांघन बोलते हैं। उपवास किसको बोलते हैं? खुद के साथ वास करेंगे और खुद में इतने लीन हो जाते हैं कि खाने की याद नहीं आती है और अपने आप में इतने मस्त रहते हो कि खाना भी फीका लगता है और खाना छूट जाना वो बाई प्रोडक्ट है। क्या है? खाना छूट जाता है, खाना छोड़ते नहीं हो उपवास में। क्रिकेट की मैच देखते हो तभी कभी कभी खाने का मन नहीं होता है ना, कोई बोले आके डाइनिंग टेबल में बैठो, नहीं बैठेंगे क्योंकि आप क्रिकेट की मैच में मस्त हो चुके हो। तो वैसे जब अपने आप में मस्त हो चुके होंगे तो आपको खाने की याद नहीं आएगी, खाना आपको सताएगा नहीं। क्लियर? और बाजू की स्लाइड देखो, लंच निकलने के लिए तैयार है, डिनर जस्ट आया है, बाकी का क्या है भाग? क्या है? तो एक चीज समझ लो, पेट खाली रखने की चीज है, पेट भरने की चीज नहीं है। पेट कोई कबाड़ी खाना नहीं है क्या? जहां सब आए जो भी काम कर रहे हो भर के रखो। क्या है बोलो? भरने की चीज नहीं है, खाली रखने की चीज नहीं, भरने की चीज नहीं है। समझ रहे हो? सभी खा पी के सुखी घर के हो ना, है ना? खाने पीने के कोई प्रॉब्लम है? अभी खाया, शाम का क्या है पता नहीं, ऐसा तो नहीं है? सबके घर में राशन पानी भरा हुआ है ना, 2-3 महीनों का, बोरी की बोरी घेहूं चावल शक्कर वगैरह लाते हो ना, तेल के भी डब्बे डब्बे रखते हो ना, तो खाने की कमी है नहीं है? सभी अमीर हो ना, अमीर खान नहीं, अमीर हो ना, तो अपनी अमीरी पेट को मत बताना। पेट को अपनी गरीबी दिखाओ। क्या बताया मैंने? अभी तो बड़ी मुश्किल से मिला है, वो मिला है, खा लिया है, पचा लेंगे, शाम का जब ये होगा तभी देखेंगे हरीश भाई क्या खिलाते हैं, धरती बेन धरती बेन क्या खिलाती है। ठीक है,
पेट भरने की ख्वाहिश मत रखो, अरे पेट भरता नहीं। बहुत जन क्या बोलते हैं, सर पेट नहीं भरता। अरे पेट भरने की चीज नहीं है ये, याद रखो। अरे मटका जैसे हो जाता है, तो वही है ना। तो अभी उसको कचरा पेटी मत रखो। सो जो भी आया डाल दिया डाल दिया डाल दिया, डुक्कर के जैसे खा रहे हैं हम लोग। डुक्कर देखा है कभी अंदर कीचड़ में से मुंह ही नहीं निकलता है। तो ऐसी हालत हमारी नहीं होनी चाहिए। पेट खाली रखने की चीज है। पेट को क्या बताना है, बराबर है, अपनी अमीरी पेट को बताएगा तो जैसे अमीरी बताए इनकम टैक्स वाला रेट डालता है ना, वैसे पेट को अमीरी दिखाई तो बीमारी रेट डाल देगी और फिर उधर बैठ जाएगी, बोलता इधर तो बहुत मजा है। क्लियर? पैसे ज्यादा है तो कोई अच्छे काम में यूज कीजिए ना, स्वास्थ्य की फील्ड में काम कीजिए। मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, बीमारी से बचने के लिए नहीं, दवाइयों में नहीं, अस्पताल बनाने में नहीं। जहां अस्पताल जाना ही नहीं पड़े ऐसे में इन्वेस्ट करो, समझ रहे हैं। यहां तो जितनी अस्पतालें बढ़ती है उतनी बीमारियां बढ़ती है। अभी आप यहां मातर में आए, कैसे कुछ पब्लिक दिख रही है नहीं, बराबर है। इधर थोड़े गांव है, छोटे छोटे घर है। अभी यहां पे मैंने 10 माले की अस्पताल बना दी। कितने माले की? बेस्ट फैसिलिटी वाले अस्पताल बना दी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये अस्पताल चलाने के लिए? रेस्टोरेंट से लेके बीमार करने के लिए सभी सब टेस्टिंग वेस्टिंग फ्री को ये वो वगैरह करना पड़ेगा। जंक फूड की दुकानें खोलनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा ना, कमीशन देना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये सभी से बचो। अभी ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत काम की वीडियो, ध्यान से देखिएगा। भगवान ने हमें कैसी बड़ी आँख दी है और हमने उसकी कैसी वाट लगाई है। वॉल्यूम ये देखिए, ये जो है ना एकदम क्लीन कोलन है तो कैसे दिखती है देख लीजिए, दिख रही है। अभी देखिए एक एक चीज, जिसको कब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट साफ नहीं आता है, देखो अंदर कचरा चिपका है कि नहीं। अभी देखो एनिमा क्यों लेना चाहिए, देखने के बाद डिसाइड करना। देख रहा है सब गंदगी अंदर जमी है। बाहर से तो दिन में 3 बार स्नान करते हो, ये साबुन ये शैम्पू पता नहीं क्या क्या लगाते हो, अंदर का कचरे का क्या है, ब्रश कितनी बार करते हो। देखिए अभी जहां भी कचरा है वहां कीड़ा आएगा, मैंने बताया ना। तो पेट में कीड़े आते हैं कि नहीं, राउंडवर्म हुकवर्म्स वगैरह होते हैं कि नहीं, फिर इसकी दवाई लेके हम कीड़े को मारते हैं लेकिन पेट साफ करते हैं। देखिए तो भगवान ने जो सफाई के लिए कामदार भेजे थे उसको भी मार के भगा दिया। ये देखिए अस्थमा एलर्जी वगैरह लेकर पेट में देखो कैसे कचरे हैं, दिख रहा है। ये देखिए कितनी अंदर सब सूजन गांठें हो चुकी है, दिख रहा है। और ये देखो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है ना आज, देखो अंदर कितना गंदा कूड़ा कचरा है तब जाके कैंसर होता है, देख लीजिए। ये 65 पहले 45 की एज थी, ये 65 की एज, देखो पूरा काला काला कलर मार दिया, उखड़े नहीं ऐसा कलर, समझ में आया। आप तो यहाँ खाते हो, गंदगी ऐसी होती है वहां पे कि आपकी बड़ी जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी आंत होती है उस पर जाके चिपक जाती है, फिर वो आपकी आंत काम नहीं करती है और वो कचरा सड़ता है, अनेक बीमारियों का कारण बनता है। क्लियर? आप जब भी बीमार होते हैं तो देखो एक टूटी फूटी स्टेयरकेस कैसे दिखती है, वैसी आपकी हालत है। आपकी इच्छा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं तो क्या है, थोड़ा अच्छा सा स्टेयरकेस बन जाए, रेड कार्पेट जैसा है।
लेकिन आपने डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया, बाद में कैसा लगता है? कैसा लग रहा है? हाँ, स्वर्ग ऐसे लग रहा है ना, स्टेयर के स्वर्ग की ओर जा रहा है। हाँ, स्वर्ग आपके भीतर उतर आया, ऐसा लगेगा कि नहीं? तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो त्रिसूत्री मार्ग बताया है, इसको बिल्कुल समझ के कीजिए। एनिमा लेना है, हमारे पेट में जो भी मल कूड़ा कचरा पड़ा है वो महीनों पहले के, सालों पहले का पड़ा है, और आप एनिमा लेंगे तो वो अंदर पड़ा पड़ा थोड़ा ढीला पड़ेगा और निकलेगा। कुछ चीज़ें जो है कड़क प्लास्टर जैसी हो गई है, उसको महीनों भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकती हैं। तो जब तक आपको अच्छे रिजल्ट, नोटिसेबल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तब तक लीजिए। फिर धीरे धीरे उसको कम कीजिए, टेपर कीजिए, बंद कीजिए, और फिर जब ज़रूरत हो तभी बिल्कुल लीजिए। सुबह उठे पहला काम क्या करना है? एनिमा लेना है। पहले तो ऊपर वाले को धन्यवाद दे दीजिए कि आज तूने मुझे जागने का मौका दिया, बराबर है। फिर जो भी शुभ शक्तियां हैं उनको धन्यवाद दीजिए। वॉशरूम में जाइए, अगर नेचुरली आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो जोर मत लगाओ, एनिमा ले लो और कचरा निकाल दो। अगर आप ही गया, समझो इजीली आप ही गया, साफ करो, वापस एनिमा लेके कचरा निकाल दो। इसकी डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एनिमा तो जो है सर ने भी बताया होगा, नहीं होगा तो धरती बहन भी बता देगी। क्लियर? ग्रीन जूस मीन्स ग्रीन ब्लड है। क्या है? क्या है? एक रेड ब्लड है, तो ये क्या है? इसमें जो पत्तियां होती है उसमें आपकी शरीर की सफाई का बहुत अच्छा सा स्रोत है। क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन ब्लड के जैसा काम करता है, पेट की सफाई में अच्छा काम करते हैं। आंवला वाला अगर सीजन है तो आंवला डालिए, या तो उसका पाउडर मिलता है तो वो भी, अगर नहीं मिलता तो डालिए। बाकी हरी पत्तियाँ, वेजिटेबल्स है, ये है वो भी आपको सब धरती बहनी वगैरह बताएंगे, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। तो हरी पत्तियों का जूस लीजिए। सुबह जो है फास्टिंग करते हैं, सुबह फास्टिंग क्यों करते हैं उसका सिंपल साइंस मैं बता देता हूँ। जब आप कुछ भी नहीं खाते हैं और पीते हैं और शरीर को आराम देते हैं, तो आपकी पूरी जो शक्ति है, अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं या हल्का सा काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी शक्ति जाती है, खाते नहीं है, पीते नहीं है तो पचाने में शक्ति लगेगी नहीं लगेगी, बराबर? पचा के मल निष्कासन में शक्ति नहीं लगेगी, तो पूरी शक्ति जो है शरीर की सफाई में लग जाती है। क्या होता है? जितने भी एनर्जी है, शक्ति है, पहले बढ़ जाती थी, अभी पूरी फोकस कहाँ करती है? सफाई में। तो पहली सफाई बड़ी आंत की करेगी, बड़ी आंत के बाद में शरीर के एक एक अंग की सफाई करेगी, एक एक सेल की सफाई करेगी, एक एक जॉइंट की सफाई करेगी, और वहाँ जो दबा हुआ कचरा पड़ा है वो दूर ढूंढ के निकालेगी और आपकी बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाएगी। समझ में आया फास्टिंग क्यों करना है? समझ में आया फास्टिंग क्यों करना है? फास्टिंग में आपकी अंदरूनी सफाई होती है, क्योंकि दूसरे काम आप नहीं करते हो तो सफाई का काम प्रकृति शुरू कर देती है, और प्रकृति जब सफाई का काम करती है तो धूम धूम के कचरा निकालती है। तो कभी कभार अगर आपकी जो मोटी बीमारी है तो लंबा फास्टिंग की भी प्रैक्टिस करो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसमें भी बहुत तरीके के फास्टिंग है, अगर समय मिला तो उसकी बात करूंगा, लेकिन फास्टिंग जरूरी है। और दिन में आप खाइए, शाम को खाना बंद, सूर्यास्त के बाद अगर खाना बंद करेंगे तो अच्छी बात है, वरना जल्दी से जल्दी 7 बजे 8 बजे के बाद दुकान बंद, सुबह सूर्योदय के बाद दुकान चालू करनी है। तो जब तक सूर्य है तब तक खाना लेना है, अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है, बाकी उससे ज़्यादा अगर आप फास्टिंग किया तो और भी अच्छा है,
शरीर सफाई के मोड़ में जाती है। और शरीर जितनी सफाई अपने आप से करेगा उतना आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। हमारे सभी धर्म में ये बातें कही गई है, फास्टिंग की बातें है कि नहीं हर धर्म में, वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या जैनिज्म हो, या कोई भी हो, फास्टिंग की बातें बहुत की जाती है। तो आपको ये आपकी लाइफस्टाइल में लाना है। शाम को जितना जल्दी खा सकते हैं उतना खा लीजिए, सुबह जितना देर तक आप रह सकते हैं उतना रहिए, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक, उससे ज़्यादा भी रहेंगे तो तकलीफ नहीं है। दिन में एक बार खाया तो भी चलेगा, 2 बार खाया तो भी चलेगा, या नहीं रह सकते तो 3 बार भी खाओ, लेकिन खाने का ये 8 घंटे में खा लो। फिर खाने की सिस्टम को आराम दो। शाम को जो है थोड़ा जल्दी सोने की आदत डाल दो, और सुबह जल्दी उठ के ऊपर वाले को याद करके, उसको नमन वंदन करके, एनिमा लेके, चाहिए तो खुले गार्डन में चलो, नंगे पांव चलो। क्या बताया मैंने? चप्पल पहन के नहीं। यहाँ जो है ना गार्डन, खुला छोटा सा गार्डन है, कल सुबह कोई भी चप्पल पहन के नहीं निकलेगा। है तो भी बाहर निकाल दो, थोड़ा गार्डन में कम से कम 20-25 मिनट आधा घंटा चलो। बैठेंगे तो भी पांव जमीन को टच करके करो, पृथ्वी के साथ हमारा कनेक्शन चाहिए। हमारा कनेक्शन पृथ्वी तत्व के साथ नहीं है। स्लीपर पहन के, चप्पल पहन के, शूज पहन के हम बैठते हैं तो कुछ देर हम नंगे पैर मट्टी पे चलेंगे, घास पे चलेंगे। अर्थिंग मालूम है, इलेक्ट्रिकल में अर्थिंग होता है, तो हम हमारा अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व से कनेक्ट करेंगे, तो इससे भी स्वास्थ्य में लाभ होते हैं। हमारे पाँव में जो भी आपको एक्यूप्रेशर समझना है, इसे एक्यूप्रेशर समझना है, अर्थिंग समझना है, अर्थिंग है या पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कुदरत देती है, या पृथ्वी तत्व के वाइब्रेशन हमारे में आते हैं, जिसको जो तरीके से समझना है समझें, लेकिन ये करें, बहुत अच्छे लाभ होते हैं। शाम को भी है, अरे पैर में गंदा हो गया तो पानी से धो दो ना, कौन बोलता है? यहाँ नल की व्यवस्था है, वहाँ जाके थोड़ा पानी लेके साफ कर दो और फिर दूसरा काम करो। फिर जरूर है तो चप्पल, घर में चप्पल पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। हाइजीन, हाइजीन के नाम से हमने इतना अपने आप को डराया, बच्चों को भी डराया, मट्टी में खेलने नहीं देते। मट्टी में तो खेलना ही चाहिए, हो गया तो हाथ धोले, साबुन से धोले, फिनाइल से धोले, डेटॉल से, इसके धो, उससे धोरे, वो सब जो है वो डेडली केमिकल्स आपके बॉडी में, आपको मालूम है कितने छिद्र हैं, पसीना निकलता है ना, जिधर से भी पसीना निकलता छिद्र है ना, तो वहां से केमिकल उल्टा भी जा सकता है ना। अभी कोरोना में क्या क्या, दिन में 50 बार हाथ साफ करो, हाथ साफ करो, अरे आपको पूरा बीमार करने की पूरी व्यवस्थाएं थी। जितना प्राकृतिक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इतना अच्छा है। पानी से हाथ धो लो, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लगा तो एक बार साबुन से भी कर लो, बास आ रही है, ये कर, लेकिन छोटी छोटी चीज में हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, रहे फिर तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। समझ में आया? तो मैंने ये तीनों चीज आपको बता दी, क्लियर? क्यों एनिमा लेना चाहिए, क्यों ग्रीन जूस लेना चाहिए, फास्टिंग क्यों करना चाहिए। ओके, ये देखो कितना कचरा पड़ा है। बिजनेस करते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पता है ना, डेड स्टॉक पता है? बिजनेस में डेड स्टॉक होता है कि नहीं? सालों साल से पड़ा है ना, तो कोई खरीदने वाला है ना, तो बिकता है ना, तो कुछ है, उसको डेड स्टॉक बोलते हैं। हर एक के शरीर में कम से कम 4-5 किलो डेड स्टॉक पड़ा है। कितना? कितना?
किसी में उससे ज्यादा भी हो सकता है, किसी में थोड़ा कम भी हो सकता है, ना नहीं। देखो ये गंदा कोलन है, बड़ी आंत है और एक शुद्ध आंख है, कैसे दिख रही है? तो हमको उसको शुद्ध रखना है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये देखो एनिमा के कुछ मैंने पोस्टर्स बताए, भिन्न भिन्न मुद्रा में ले सकते हैं। अगर चार नंबर की मुद्रा में अगर आप लेते हैं तो पानी अंदर जाएगा भी अच्छा, टिकेगा भी अच्छा और पेट के अंदर जाएगा, जितना जाएगा उतना ठीक है। जबरदस्ती डालने की कोशिश मत करो, कम गया तो भी ठीक है, जितनी देर रख सकते उतना रखो, फिर इसको निकाल के कचरा साफ करो और फिर चाहिए तो दूसरी बार लो और अंदर रखो, फिर चाहिए तो बाहर निकल के सो जाओ, लेफ्ट साइड राइट साइड उल्टा सीधा, चाहिए तो सर नीचे पांव ऊपर करो। कौन सा आसन बोलते हैं इसको? हाँ शीर्षासन नहीं, दूसरा जो खाली कमर से पांव ऊपर कर, पवन मुक्त, जो भी आसन है वो आप कीजिए। हाँ सर्वांगासन है, तो ये जो भी आसन में अगर आप कर सकते तो ठीक है, वरना जो भी है जितना भी है आप कीजिए और पेट की सफाई कीजिए। पेट की सफाई भी करनी है, आँख की सफाई करनी है, दांत की भी सफाई करनी है, नाक की भी सफाई करनी है। आंखों की सफाई कैसे करेंगे? सुबह उठ के आँख पे पानी मारिए, बराबर है? खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं ना, फिर वही पानी आँख पे मारिए, आँख खुली रख के मारिए, ठीक है? और भी तो है, नहीं तो पानी के कप आते हैं मालूम है, ऐसा डाल के रखिए, वो भी कर सकते हो। कुछ ठंडी चीज़ें भी लगा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। दांत की सफाई कैसे करेंगे? देखो सबसे ज़्यादा कचरा जो है दांत में फंसता है, क्योंकि दांत में कुछ ना कुछ होते हैं, तो दांत को जो है वो ब्रश तो भी करते हैं, उसके भी एक तरीका है। दातुन लीजिए, दातुन को चबाइए, तो चबाने में दांत को भी एक कसरत होती है। आज दांत को भी पकाए हुआ खाते हैं तो दांत को कोई कसरत ही नहीं देते ना, सब एक्सरसाइज करते हैं, दांत की एक्सरसाइज कुछ करते हैं, सब पकाए पकाए सॉफ्ट करके खाते हैं। तो एक तो दांतों को चबाइए, वो एक कसरत होती है। दूसरी जो है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे। तो अंदर जो है ना वो उसको क्लीन करना है। दूसरा जो है आपके पास वो ये आते हैं कौन से, उसके आते हैं पॉइंट वाले आते हैं, दूसरा रस्सी वाला आता है, वो यूज़ करके अंदर के जो बीच के जॉइंट्स क्लीन कीजिए। और जो आते हैं पानी का जेट स्प्रे आता है, पानी मारेंगे ना तो अंदर से कचरा निकाल देता है, वो आप मंगवा सकते हैं, तो अंदर के जो अंदर यहाँ के कचरे है या अंदर है वो सब निकल जाना चाहिए। तो दांत को साफ रखना उतना ही जरूर है जितना शरीर को साफ रखना, शायद उससे ज़्यादा जरूरी है। नाक की सफाई करनी है, रोज सुबह जो है चेक कर लीजिए, नहीं होगा तो यहाँ से डाला यहाँ से निकाला, करते हैं ना जलने थी, वो कीजिए और नाक की भी सफाई कीजिए। क्लियर? मन की सफाई तो करनी ही है। दूसरा जो है वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होती है, बुखार आता है, ठंडी है, कफ है, छींकें आती है, फोड़ियाँ होती है, आँख में से पसीना के आँख में से आंसू आते हैं, तो आने दीजिए। वॉमिट होती है तो होने दीजिए, लूज मोशन, ये सभी जो है शरीर के सफाई के मार्ग हैं, तो शरीर को सफाई करने दो। कुछ दुख हुआ है बस आँख में से आंसू आते हैं तो आने दीजिए, कुछ कचरा ही निकालते हैं। क्लियर? फोड़ी होती है तो होने दीजिए, कुछ कचरा ही निकल रहा है, फिर उस पे जाके ये लगाया वो लगाया कुछ दवाई ली, ये वो नहीं जरूर है। समझ लो जी कि अंदर कुछ गलती है, तकलीफ है, तो खान पान चेंज कीजिए, कम खाइए, फास्टिंग कीजिए, एनिमा लीजिए, शरीर की सफाई कीजिए, अपने आप से फोड़ी चली जाएगी। लेकिन ऑपरेशन सर्जरी करके निकालेंगे तो बार बार आएगी, वापस आएगी। क्लियर? ये सभी कुदरत के सफाई के साधन है, तो कुदरत को अपनी सफाई करने दो। दवाई लेके बीच में टांग मत अड़ाना, क्या बताया मैंने,
अभी कुछ लूज मोशन हो गया, दवाई की गोली खा ली, कुछ ये हो गया, कभी कभार इमरजेंसी में आपको ट्रैवलिंग करना ही लिया तो समझ सकते हैं, लेकिन घर पे ही बैठे हैं तो जाओ ना, कचरा इजी निकल रहा है तो निकालो, बुखार आ रहा है तो गोलियां लेके बुखार को मत दबाओ, ठंडा पानी जो होता है ना चाहिए तो पेट पे रखो, सर पे रखो, बुखार को उतारो। जैसे ही बुखार ने अपना काम कर लिया, अंदर के बैक्टीरिया वायरस को मार दिया, बुखार भी चला जाएगा। पुलिस आती है कब तक आती है, जब तक वहाँ एरिया में तकलीफ है, काम हो गया पुलिस चली जाती है ना, अभी हफ्ता लेने वाली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो कल वैसे ही बुखार आता है अपना काम करके चला जाता है। क्लियर? अभी कोरोना वायरस आया था ना, हमने मास्क पहने थे, हाथ नहीं मिलाने का, हाथ धोते थे, वैक्सीन लिए, दवाइयाँ खाई, आइसोलेशन भी किया ना, कितना भय पैदा हुआ था। ये कोई उसका सॉल्यूशन था, लेकिन हम सबको करवाया गया। आज इतने सारे टीवी के डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुए, न्यूज़पेपर में इतना सारा आया, किसी ने बोला आपके रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाओ।